शेयर मार्केट में लोकसभा चुनाव से पहले से ही तेजी का माहौल है। मार्केट चुनाव परिणाम के बाद कुछ गिरावट के दौर से संभला और यूनियन बजट 2024 तक ऑल टाइम हाई लगा दिया। बजट के बाद भी बाजार में तेजी कायम रही और निफ्टी ने 25,000 का आंकड़ा पार किया और सेंसेक्स भी 82,000 के पार गया। इस दौरान कई बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो सामने आए। जब भी कोई निवेशक किसी कंपनी में 1% या उससे अधिक की हिस्सेदारी लेता है तो यह सूचना एक्सचेंज के माध्यम से आम जनता तक पहुंचती है। हालांकि स्टार इन्वेस्टर्स के अलावा कुछ ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके निवेश के बारे में लोग जानना चाहते हैं। वो चाहे बिजनेस फील्ड से ना हो या फिर न ही एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन उन्होंने कौन से स्टॉक खरीदे हैं इस बात में पब्लिक का इंटरेस्ट रहता है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिनका शेयर बाजार का निवेश लोकसभा चुनाव के दौरान दिए हलफनामे के माध्यम से चर्चा में आया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दाखिल चुनावी हलफनामे में उनके पोर्टफोलियो का खुलासा किया गया था। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान शेयर बाजार में अपने 4.33 करोड़ रुपए वैल्यू वाले पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी दी थी। लोकसभा चुनाव के बाद यह पोर्टफोलियो 46.49 लाख रुपए बढ़ चुका है, यानी अब तक 4.80 करोड़ की वैल्यू रखता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सिर्फ 5 महीनों में भारी मुनाफा कमाया है। आंकड़ों से पता चला है कि गांधी ने अपने पास मौजूद शेयरों से लाखों कमाए। विपक्ष के नेता के पास हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, ITC, नेस्ले, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कई बड़ी कंपनियों के शेयर हैं। मार्च 2024 से अब तक विपक्ष के नेता ने शेयरों से 40.49 लाख रुपए की भारी कमाई की है। समाचार एजेंसी INS की रिपोर्ट के अनुसार इस साल 15 मार्च तक गांधी के पोर्टफोलियो की कुल संपत्ति 4.33 करोड़ रुपए थी, जो सोमवार 12 अगस्त को बाजार बंद होने तक बढ़कर 4.80 करोड़ रुपए हो गई। इसमें कहा गया है कि प्रॉफिट की गणना राहुल गांधी द्वारा रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र के लिए दाखिल किए गए लोकसभा नामांकन में बताए गए शेयरों के आधार पर की गई है। कांग्रेस नेता के पोर्टफोलियो में एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, डिविस लैब्स, GMM फॉडलर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, ITC, TCS, टाइटन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया और LTI माइंड्री जैसे स्टॉक शामिल हैं। उनके पोर्टफोलियो में करीब 24 स्टॉक शामिल हैं, जिनमें से उन्हें फिलहाल सिर्फ 4 कंपनियां LTI माइंड्री, टाइटन, TCS और नेस्ले इंडिया में घाटा हो रहा है। सो द रिलेशनशिप बिगिंस मेनी इयर्स अगो when Narendra Modi ji was the chief minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the prime minister, was against the prime minister, one man stood shoulder to shoulder with the prime minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat. Right? The idea that you bring these businessmen together and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both. And he was the backbone in setting up that group of people. Okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat. Expansion of his businesses. I think then the real magic starts. जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको 2-3 इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए
दिया. नियम था, देयर वाज अ रूल दैट एनीबॉडी हु डज नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ दीज एयरपोर्ट्स. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं. आप बैठ जाइए. अडानी के डिफेंस में आ गए सर. रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था. इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला. किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था. रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है. रूल बदला गया और किसके लिए? अडानी से अडानी किसने किया है? और किसके लिए रूल बदला गया? रूल बदला गया रूल को बदला गया. अरे सर बोलने दीजिए. करना चाहिए सर, ऑथेंटिकेट करना चाहिए. चलिए चलिए. तो ये रूल बदला गया. उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी. रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए. बिल्कुल. उसके बाद आफ्टर दैट इंडियाज मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट वॉज टेकन अवे by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया. रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अडानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है. अब ये काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया. अब आपने जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, हम भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं. चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं. बहुत ऑप्शन है, आप बताइए कहां से शुरू करें. बिजली, डिफेंस, बहुत ऑप्शन है. डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस. अब डिफेंस में अडानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस. कल मैंने प्रधानमंत्री को HAL में देखा. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि HAL का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया. वहां भी फैसिलिटेशन था. अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेनर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी बनानी चाहिए. शायद बने. हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी. तो अब देखिए, अडानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए.
एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं, ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स आर्मी नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले, एचएल यह काम करती है, हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इसराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है। यहां पे जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो चार डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं, ये काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टावर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। सीधा स्ट्रेट इसराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इसराइल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है, खत्म कहा। हाँ, उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं वहां से क्या मतलब पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।